इंदौर शहर के नजदीक पर्यटन स्थल लोटस वैली में लॉकडाउन के चलते सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना महामारी के कारण आसपास के ग्रामीणों की तफरी पर भी जिला प्रशासन ने रोक लगाकर लोटस वैली में गार्ड की तैनाती की है। इंदौर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुलवाट ग्रामीण आंचल सौंदर्य प्रेमियों के लिए कुछ वर्ष पूर्व पर्यटन विभाग और ग्रामीणों के अथक प्रयासों के बाद लोटस वैली नाम से मशहूर स्थान का निर्माण किया गया है। यहां पर सैकड़ों की संख्या में मध्य प्रदेश सहित देश विदेश से सैलानी सुंदर नजारा देखने पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना महामारी का असर इस साल देखने को मिल रहा है। महामारी के दौर में वैली की सुंदरता को निहारने आने वाले सैकड़ों पर्यटकों पर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है, तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से वैली में नगर निगम के 2 सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं, जो कि बाहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वैली में तफरी करने को लेकर रोका टोकी करते नजर आते हैं। यहाँ पे सुरक्षा रखते हैं तो वो पेड़ वगैरह नहीं काटे और आग वाग नहीं लगा जाए, इसके लिए सुरक्षा के लिए हमको यहाँ छोड़े गए। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, जनता नहीं आ रही है, सब सारे बंद कर दिए। चहल पहल तो ज़्यादा रहती थी, सब करीब करीब 1000 के आसपास में जनता रहती थी। कोरोना लगा उसके बाद में सपा बंद था। यहाँ भी जाता है तो समझा देते हैं। एक बहुत ही यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और इस पर कि काफ़ी प्रतिदिन काफ़ी पर्यटक आते हैं, मगर कोरोना को देख दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे निरंतर 2 गार्ड तैनात कर रखे हैं, जो कि अगर पर्यटक कोई आता है तो समझा देकर रवाना कर देते हैं। फिलहाल वहाँ कोई पर्यटकों की आवाजाही नहीं है। लोटस वैली के आसपास स्थित ग्रामीणों का कहना है कि पहले यहां पर सैकड़ों की संख्या में रोजाना पर्यटक कमल के फूल, विदेशी पक्षी सहित सुंदर बांस के पेड़ को देखने आते थे। शनिवार और रविवार के दरमियान पर्यटकों की संख्या 5000 से भी अधिक हो जाया करती थी, लेकिन 2 वर्षों से पर्यटकों की संख्या में अचानक से कमी आई है। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अब इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। भैया जब से कोरोना लगा है जब से बहुत परेशान है। 1-2 साल से ऐसा चलता आ रहा है कि यहाँ पे कमल की खेती जो होती है, कमल के फूल की, तो पक्षियाँ आते हैं तो उसी कारण से यहाँ पे पर्यटक लोग ज़्यादा आते हैं और यहाँ के जो गांव वालों की दुकानें हैं, कम से कम 20 से 35 दुकानें हैं जो पहले चलती थी, उनका रोज़गार लगा हुआ था। बाकी जब से कोरोना महामारी लगी है जब से बिल्कुल देखिएगा आप लोग पूरा सुनसान ही पड़ा हुआ है। जैसे कि अब कहीं कुछ मार्केट जाना हो, आदमी घर के कार्यक्रम है, शादी है और भी अन्य कार्यक्रम रहते हैं, तो 2 परिवार एक जगह इकट्ठे होते हो ही नहीं पाते हैं। जहाँ 100 लोगों की परमिशन पहले थी, वहाँ पे आप 15 लोगों की भी नहीं बची है। गाँव की अर्थव्यवस्था तो ये है कि जो उनका रोज़गार था वो रोज़गार पूरी तरह नष्ट हो चुका है जब से महामारी लगी है। अब इसके लिए प्रशासन कुछ करे तो अब बेहतर है। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक इस महामारी का प्रकोप कम होता है और वापस पर्यटक वैली का रुख करते हैं। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।